नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आशा एक भारत में। चले बात करते हैं बिहार की। और बिहार में जिस तरीके से केंद्र की सरकार बनी है, नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण किया, उसके बाद राजनीतिक जो हवाएं हैं वो बहने लगी है तेजों से और जोर से, क्योंकि जदयू के नेता एक भी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए हैं। नीतीश कुमार का साफ तौर पर बयान आया है कि हम इस बार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। उसके बाद बिहार की जनता और देश की जनता क्या कहती है इस राजनीतिक गर्माहट के बाद, इस राजनीतिक करवट के बाद क्या होगा बिहार 2020 विधानसभा चुनाव का हाल, चले जानते हैं बिहार की जनता पटना की जनता से। क्या लगता है चाचा, इस बार नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए कैबिनेट मंत्री में, उनके जदयू के कोई भी नेता नहीं गए, क्या लगता है कितना राजनीति परिवर्तन आएगा 2020 में? हम क्या बताना, परिवर्तन नहीं लगेगा? देखिए, परिवर्तन लगेगा, लगता है बिहार में नीतीश कुमार इम्पोर्टेंट है, नीतीश कुमार का चेहरा इम्पोर्टेंट है कि मोदी का चेहरा दिखा के फिर विधानसभा? हम कुछ नहीं बता सकते। कुछ नहीं बताइएगा, आपको क्या लगता है भैया? क्या भैया बोलिए, 2020 में जो चुनाव आने जा रहे हैं, नीतीश कुमार की पार्टी के एक भी कैंडिडेट को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया, नीतीश कुमार ने कहा कि हम शामिल नहीं होंगे, क्या लगता है कितना बदलाव आएगा? बदलाव तो रहेगा, नीतीश कुमार तो रहे करेगा भैया। नीतीश कुमार का चेहरा कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है भैया, काम तो बिहार के लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ एकदम है, काम किया है भैया, काम किया है, काम किया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। हाँ इसके लिए है और आएंगे, ऐसा बात नहीं, एकदम आएंगे, आएंगे, भरोसा है एकदम। आपको क्या लगता है, चले लगता है 2020 का चुनाव अकेले लड़ेंगे या चेहरा कितना काम करेगा बिहार में उनका? या तो अकेले लड़ेंगे और नहीं तो वो समय का इंतजार करेंगे, जैसा होता है पलट जाते हैं भाई, उनका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है ना। वो जिधर देखते हैं कि अपना पर्सनल बेनिफिट है, अपना आराम से पासा पलट लेते हैं, इसलिए मतलब कुछ भी हो सकता है 2020 के इलेक्शन, कुछ भी हो सकता है 2020 का इलेक्शन, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अंदर अंदर वो नाखुश तो है, बिल्कुल नाखुश है, नाखुश है। हाँ बिल्कुल नाखुश है। क्या होना चाहिए था कि जदयू खुश होती, क्या लगता है? कम से कम उनको 3-4 मंत्री बनना चाहिए था उनके सांसद से, तब वो खुश रहते, उनके सांसद कोटे से जो उम्मीदवार जीतते गए उनसे 3-4 सांसद मंत्री बनते बन के आते तो वो खुश हो जाते। हाँ वो खुश रहते। अच्छा अभी क्या लगता है 2020 में चेहरा क्या नजर आता है, नरेंद्र मोदी का चेहरा इम्पोर्टेंट होगा या बीजेपी का चेहरा इम्पोर्टेंट होगा या जदयू का चेहरा नीतीश कुमार इम्पोर्टेंट? मेरे समझ से विधानसभा में आरजेडी का चेहरा ज्यादा मतलब फेमस होगा, तो 0 पर ऑल आउट हो गई। फिर भी चूंकि सांसद में लोकसभा में तो टारगेट मोदी को थोड़ा अच्छा, मोदी है, मोदी टारगेट था प्लस अच्छा है अभी सेंट्रल के लिए, लेकिन यहाँ पे स्टेट के लिए समाज में जितने भी लोग हैं उन सबका यही मानसिकता है कि बिहार में अभी आरजेडी का सरकार आना चाहिए, जहाँ तक केंद्र में मोदी लेकिन बिहार में हाँ तेजस्वी, न कि लालू, तेजस्वी, हाँ लालू नहीं तेजस्वी, लोगों का पसंदीदा उम्मीदवार है। क्या लगता है आप लोगों को, क्या लगता है इस बार क्या लगता है, जिस तरीके से नीतीश कुमार हट गए हैं, मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए हैं, उसके बाद क्या लगता है कि कितना असर करेगा बिहार राजनीति पे, ये आने वाला विधानसभा पे? बहुत असर करेगा, करेगा। हाँ क्या होना चाहिए था, क्यों कम से कम जनता दल के दो मंत्री बनना ही चाहिए, दो मंत्री बनना चाहिए जी, इसलिए अगर पीछे हटे हैं तो मतलब सही किए वो? हाँ पीछे हट गए तो बहुत अच्छा काम किया, विधानसभा में अगर नीतीश कुमार अकेले भी चुनाव लड़ते हैं तो इनका सरकार बनेगा, बनेगा जी, अलग छवि इनका है, अलग छवि जी, क्या छवि है थोड़ा बताइए? बहुत सुशासन बाबू हैं, इतना विकास किए हैं, गांव जाके देखिए, शहर में तो विकास नहीं दिखता है लेकिन गांव में विकास दिखता है इनका, आज गाँव में जाते हैं तो, मेरा गाँव नवादा डिस्ट्रिक्ट में हुआ, अच्छा तो गाँव जाते हैं तो पटना से कम नहीं है, रोड है, पक्की सड़क बन गया है, घर घर बिजली हो गया, शौचालय हो गया, मकान बन गया, तभी क्या चीज चाहिए? क्या लगता है मोदी गवर्नमेंट अनफेयर की है, जदयू के साथ अनफेयर की है जी, की है। हाँ? यही बात नरेंद्र मोदी जी को हम बताना चाह रहे थे आपके चैनल के माध्यम से कि जितना सीट लाए हैं नीतीश कुमार जी, कम से कम इनको 2 सीट मिलना चाहिए, अगर अगला बार यही चुनाव 2024 में होगा तो जितना सीट इनको आया है उतनी सीट भाजपा को घटेगा, भाजपा को घटेगा जी,
चलिए और लोगों से बात करते हैं, क्या लगता है इस बार जिस तरीके से जदयू को नेग्लेक्ट किया गया है बीजेपी के द्वारा, कितना असर होगा बिहार राजनीति पर? बिहार की राजनीति पर बहुत ज़्यादा असर होगा इसका। बिहार के ज़्यादातर लोग जदयू की ओर अग्रसित है, लेकिन बीजेपी ने उसको नकारा है। जमीनी स्तर पर है, जमीनी स्तर पर उनका काफ़ी प्रभाव है बिहार में। अच्छा, और आगे बीजेपी को इससे नुकसान है। नुकसान है? हाँ, नुकसान। तो अभी से भी मतलब ये करना चाहिए, उनको शामिल करना चाहिए। हाँ, उनको उससे नाता जोड़ कर रखना चाहिए तो बेहतर होगा आगे के लिए। आगे के लिए बेहतर होगा। चलिए और लोगों से बात करते हैं, थोड़ा समय लेंगे आपका, एक मिनट का। हो नेता जी, क्या लगता है जिस तरीके से बीजेपी ने नेग्लेक्ट किया है जदयू को, मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए नीतीश कुमार, कितना असर पड़ेगा आने वाला विधानसभा, और बिहार में कितनी राजनीति गर्म हो गई? कोई गर्म नहीं होगा राजनीति, बीजेपी खुद का अपना सरकार बनाएगा अगली बार नीतीश कुमार को साइड करके। हाँ, नीतीश कुमार को साइड करके। इस बार क्या फिर से जदयू जाएगी आरजेडी में? जाएगी नहीं, इंडिपेंडेंट भी रहेगी तो भी आएगी, बीजेपी के खुद की सरकार बनेगी। ऐसा नहीं होगा कि महागठबंधन को फायदा हो जाएगा अगर खुद बीजेपी अलग हो जाए? महागठबंधन को कोई फायदा नहीं होगा, बीजेपी खुद की सरकार बनाएगी बिहार। क्यों बनाएगी? क्योंकि देख रहा है दोनों का कोई स्टैंड नहीं है, ना नीतीश कुमार का कोई स्टैंड है, ना तेजस्वी यादव का कोई स्टैंड। बीजेपी जेडीयू लड़ी तभी तो 39 सीट आई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा नीतीश कुमार के। बीजेपी खुद भी लड़ती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इतनी ही सीटें आती। इतनी ही आती। क्यों आती? समीकरण तो अलग अलग है। कोई समीकरण नहीं था, मोदी लहर थी बस, और मोदी लहर है बस। इनका तो कहना है भैया मोदी लहर थी इसलिए जीत गए हम। चलिए और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि इस बार जिस तरीके से समीकरण बदला है, क्या लगता है भैया? जदयू को नेग्लेक्ट कर दिया गया है बीजेपी के द्वारा, मंत्रिमंडल में शामिल भी नहीं हुए, कितना असर पड़ेगा बिहार की राजनीति पे आने वाले समय में? वैसे हो सकता है कि नीतीश कुमार अलग हो जाए शायद, क्योंकि ऐसा लग रहा है, संभावना तो कह सकते हैं। मतलब जो नेग्लेक्ट किया गया है अनफेयर हुआ है कि सही हुआ है? सही तो नहीं हुआ है, क्योंकि 17 में से 16 सीट वो भी जीते हैं, एक ही सीट हारे हैं, तो कम से कम मिलना चाहिए था। तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना भी 18 सीट जीती है लेकिन उसको एक मिला है। हाँ, तो राजनीति वाला अपना ही है, हम तो थोड़ा बिहार में थोड़ा राजनीतिक छवि ज्यादा है नीतीश कुमार का, इसलिए इनको ज्यादा मिला। हाँ, मिलना चाहिए था, मिलना चाहिए था। हाँ, क्योंकि बिहार के हीरो है राजनीति के मामले में। ठीक है, थैंक यू। और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं, क्या लगता है भैया इस बार जिस तरीके से बिहार के मुखिया कहे जा रहे हैं, नीतीश कुमार मुखिया है भी, प्रधान मुख्यमंत्री हैं, दूसरी तरफ बीजेपी उसको नेग्लेक्ट कर देती है और मुख्यमंत्री को प्रेस में कहना पड़ता है कि हम इस बार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे, क्या लगता है क्यों? लगने का मामला यह है कि देखिए, अब अकाली दल हुआ, लोजपा हुआ, उन्होंने दो दो सांसद पहुंचे हमारे लोकसभा में, उनको संकेतमक रूप से एक एक उनको मंत्रिमंडल में सीट दे दिया गया। लेकिन अगर आप भी देखें तो जदयू के ही वजह से बीजेपी की, और एक कहीं ना कहीं एक एंगल ये भी देखा जा सकता है कि मोदी लहर है, लेकिन जदयू की वजह से ही कहीं ना कहीं 39 सीट, 40 में 39 लाना एक बहुत बड़ी बात होती है, 39 सीट लाया, लेकिन जदयू को इस तरह नेग्लेक्ट किया जा रहा है जैसे कि छोटा सा मतलब क्षेत्रीय दल हो। ऐसा है नहीं, छोटा क्षेत्रीय दल की तरह बात है नहीं। मामला है कि अब उनको यह नहीं कि संकेतमक तरीके से कहाँ आप हमारे गठबंधन में हैं और हमारी बहुमत आई है तो आपको एक दे देते हैं, ऐसा होने नहीं चाहिए। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने अपने 39 सीट दिया है, हमें तो विशेष राज्य की दर्जा चाहिए, हमको विशेष राज्य की दर्जा चाहिए। देश हमारे इकोनॉमिकली, हमारा राज्य जो है इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, एजुकेशन के मामले में बैकवर्ड है, और हर मामले में आप देख लीजिए किसी मामले में ऊपर हम है नहीं, एक लिटरेसी के इलिटरेट के मामले में हम बहुत ऊपर, लिटरेसी में भी बहुत नीचे हैं। तो खास करके हमको नीतीश गवर्नमेंट को तो हम नहीं कह सकते, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पर जो भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ से उन्होंने 39 सीट लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें तो बीजेपी और कह रही है कि हम जितने भी हमारे टीम मेंबर हैं, जितने भी साथी हैं, उनको हम एक एक सीट दे रहे हैं, जैसे कि 18 सीट शिवसेना जीती है फिर भी उसको एक मिला, तो इसमें तो 16 ही जीती है जदयू, काफी सारे लोग बोल रही है बात। वो आप हम समझ सकते हैं कि 18 सीट जीती है शिवसेना तो एक ही सीट मिला, लेकिन 18 सीट वो ऐसा सीट जीती है ना जिस पर अगर शिवसेना नहीं भी लड़ती तो बीजेपी जीत सकती थी, लेकिन यहाँ पे वैसे वैसे सीट आप एक सीट जो देख रहे हैं यहाँ पे जीती है कांग्रेस, वहाँ पे आप देख सकते हैं 64% मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, इसलिए वहाँ से जीती है, नहीं तो वो भी सीट मोदी को जा सकती थी। क्यों? एक तो मोदी लहर, ऊपर से यहाँ पे जदयू ने जो अपना जो काम किया है, गवर्नमेंट अच्छी काम कर रही है, जो अच्छी काम कर रही है, अभी से बात है काम अच्छी कर रही है, नो डाउट काम अच्छी कर रही है, लेकिन क्या है ना कि हमारा एक दायरा लिमिटेड है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, ना कहीं से इनकम का कोई अच्छा सोर्सेज है, ना हमारे पास कोई मतलब खनन करने की व्यवस्था नहीं, जो है हमारा अपना लेबर है, जो है हम अपना जो कर सकते हैं। तो विशेष राज्य का अगर दर्जा मिलता है
तो जैसे कि अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट हमको स्कीम देती है, विशेष राज्य का दर्जा तो वो तो हो गई, अभी डबल इंजन की सरकार है तो वो अपने ऊपर है। ये बताइए कि अगर जदयू अलग होती है या बीजेपी जदयू में थोड़ा सा खटपट होता है तो क्या लगता है इसका फायदा महागठबंधन को हो सकता है आने वाले चुनाव में? जो जीरो पे आउट हो गई है आरजेडी, ऑल आउट हो चुकी है, क्या लगता है विधानसभा वो बचा पाएगी? देखिए गठबंधन, अब जहां तक बात है कि पिछले बार विधानसभा में देखिए गठबंधन बना जदयू और राजद का, गवर्नमेंट अच्छी चली, उन्होंने अच्छा खासा बहुमत हासिल किया, गवर्नमेंट अच्छी चल रही थी, फिर उन्होंने आपसी रंजिश की वजह से उन्होंने अपना गठबंधन तोड़ा, फिर उन्होंने बीजेपी के साथ शामिल हुआ। और आपको मालूम होगा लोकसभा के चुनाव के समय बीजेपी से अलग हुए थे नीतीश कुमार, क्यों अलग हुए थे? क्योंकि मोदी जी का नाम आप आ गया था प्रधानमंत्री के लिस्ट में। अभी क्या लगता है, अभी का आगे आने वाला समय क्या लगता है, ये होगा तो किसको फायदा होगा? राजनीति जैसा गंदा चीज कोई नहीं है, सबसे बड़ी बात है। अभी अगर बीजेपी से खटपट होगी, बीजेपी की जदयू की कोई जरूरत नहीं है, जैसे कि आप खुद देख रहे हैं 303 सीट लाके बीजेपी गवर्नमेंट खुद बहुबल मतलब उसको। लेकिन विधानसभा में क्या होगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, विधानसभा में अगर अभी जदयू और राजद फिर से मिलती है तो अभी सी बात है बीजेपी यहां से फिर पीछे होते बहुत पीछे जाएगी, अभी सी बात है। मोदी इफेक्ट काम नहीं करेगा, मोदी इफेक्ट काम नहीं करेगा यहां पे, मोदी का नहीं यहां पे नीतीश कुमार का राज है, क्योंकि 13 साल से खुद देख रहे हैं कि बिहार में बहुत अच्छा काम हो रहा है, हर मामले में अच्छा काम हो रहा है। हाँ थोड़ा सा मामले में एजुकेशन के मामले में अभी थोड़ा सा पीछे चल रहा है, लेकिन अभी सी बात है अगर इस बार 2021 के जनगणना में देखा जाए तो लिटरेसी रेट आई थिंक बढ़ेगा, क्योंकि महिला शिक्षा पर बहुत काम कर रहा है, 35% आरक्षण देखो, महिलाओं को बहुत ज़्यादा जागृत किया जा रहा है हर मामले में, जो महिला आजकल सिविल सर्विस की प्रिपरेशन में नहीं दिखती थी आज आप जाके देखिए 50% ज्यादा लड़कियां दिख रही है क्लासेज में, क्यों? क्योंकि 35% आरक्षण का मामला आ गया है, मतलब आरक्षण जो दिया है उससे महिला भी बाहर निकल रही है, काम कर रही है और आगे निकल के मेहनत कर रही है और पढ़ रही है, हाँ शिक्षित हो रही है। बिल्कुल, आप खुद देख रही है ना लिटरेसी रेट क्यों डाउन है, क्योंकि हमारे यहाँ महिलाओं के लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा डाउन है, अगर उनका भी लिटरेसी रेट हाई होगा रिस्पेक्टिवली तो मतलब हमारा वही कि हम उनको आरक्षण देंगे तो वो आगे आएंगी, वो उनको भी मौका मिलेगा, क्योंकि गार्जियन को भी दिखता है कि हम बच्चे को मैट्रिक 12 पढ़ा के आगे करेंगे क्या, उनको जॉब मिल नहीं रही है, तो अब जब देख रहे हैं कि 35% आरक्षण मिल रहा है, जॉब मिल रही है, तो अभी से बात तो आगे पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उन लोगों की क्या राय है। इस बार जदयू को अलग कर दिया गया है, क्या लगता है कितना इफेक्ट पड़ेगा बिहार की राजनीति में? हम नहीं कुछ तो बताइए, हम कुछ नहीं बोल सकते। आप बताइए भैया, हम क्या बता सकते हैं, हमारे क्या लगता है इस बार बिहार में जदयू को हटा दिया गया है कैबिनेट मंत्री से, कितना इफेक्ट पड़ेगा बिहार की राजनीति? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी बहुत टाइम इसमें टाइम है, अभी टाइम कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आरजेडी को फायदा होगा कि नहीं? अभी देखिए समय है, अभी बहुत समय है, अभी इसमें बहुत टाइम है। बिहार में नीतीश कुमार का चेहरा काम करता है या मोदी का? नहीं, सरकार तो नीतीश कुमार सही आदमी है, आदमी सही है। चेहरा किसका काम करता है बिहार की राजनीति में, नीतीश कुमार या मोदी? उस समय आगे वो बताएंगे, अभी मतलब 13 साल में कुछ तो लगा होगा, 14 साल में? नहीं नहीं, कोई अभी वैसा है ही नहीं कैंडिडेट नीतीश कुमार का जैसा, अभी नीतीश कुमार जैसा कोई नहीं है, नहीं बिहार, मोदी भी नहीं है, नहीं मोदी है अपना कोई, मतलब बिहार के लिए नीतीश कुमार है, बिहार के लिए नीतीश कुमार। हाँ चलिए और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार की जो राजनीति है क्या कहती है। भैया क्या लगता है इस बार? हम तो बोल ही दिए हैं कि इस बार महागठबंधन में फिर से नीतीश कुमार आएंगे और विधानसभा चुनाव में फिर पिछले बार की तरह दोनों मिलकर लड़ेंगे, क्योंकि दोनों मिलकर लड़ेंगे। हाँ फिर एकदम पक्का है, देख लीजिएगा, हम तो नहीं मिलेंगे आपसे दोबारा, लेकिन निश्चित है। चलिए तो यहाँ पे तो काफी सारी भविष्यवाणी भी हुई है और इन्होंने खुलकर बातें की है और कहा है कि बिहार की राजनीति जो विधानसभा आएगा 2019-2020 उसमें आखिर क्या होगा, नीतीश कुमार का चेहरा फैक्टर है या फिर नरेंद्र मोदी यहाँ पे भी है। तो इनकी विवाह करा अगर आपको पसंद आए और इनका अंदाज पसंद आए तो इस खबर को लाइक करिए, शेयर करिए और यूट्यूब आशा एक भारत को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा भैया, तभी तो ऐसे ऐसे एपिसोड और इन लोगों के जैसा साझा रुझान पब्लिक रुझान आप पाइएगा। आप सभी का प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।